दोस्तों, जंगली जानवर हम इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं ये तो हम सब भली भांति जानते हैं, जिस वजह से हम इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में या कहीं कि जानवरों को पास से देखने की चाह में हम इनके काफी करीब चले जाते हैं, जिसके बाद तो भैया हमारे साथ हादसा हो जाता है। और कुछ ऐसे ही वीडियोस दोस्तों हम आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा देखा गया कि एक मगरमच्छ का बच्चा बड़े ही आराम से धूप सेक रहा होता है। तभी कुछ लोग भाई उसे डिस्टर्ब करने आ जाते हैं और वीडियो बनाते हुए उसके काफी करीब चले जाते हैं, जिससे घबराकर मगरमच्छ का बच्चा पानी में छलांग मारने की सोचता है और हड़बड़ी में दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति के ऊपर ही छलांग मार देता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हम आपको मजेदार वीडियोस दिखाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अजगर के अंदर दूसरे सांपों की तरह जहर नहीं पाया जाता, लेकिन इनके अंदर भी शिकार करने की गजब की तकनीक होती है। एक बार अगर कोई भी शिकार इनके चंगुल में फंस गया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अजगर दूसरों सांपों की तुलना में काफी बड़े और भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, जिस वजह से भैया ऐसा लगता है कि ये तेज गति से दौड़ और पेड़ जैसे ऊंचे जगह पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे एक विशालकाय अजगर बड़े ही आसानी से एक नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सच में दोस्तों, ये वीडियो काफी चौंकाने वाली है। दोस्तों, हम इंसान तकनीक में इतने आगे हो चुके हैं कि हवा से लेकर पानी कहीं भी दोस्तों बड़ी ही आसानी से आ जा सकते हैं। कुछ उसी प्रकार इस वीडियो में भी एक व्यक्ति समुद्र की लहरों के बीच अपनी मिनी बोट के साथ समुद्री लहरों का आनंद ले रहा होता है। लेकिन दोस्तों, तभी एक लहर आती है और उसके साथ साथ एक डॉल्फिन की झुंड भी आ जाती है और एक डॉल्फिन उछलते हुए व्यक्ति से टकरा जाती है। ऐसे में दोस्तों, डॉल्फिन यही सोच रही होंगी कि इंसान तो भैया हमें समुद्र के अंदर भी डिस्टर्ब करने चले आ रहे हैं। हालांकि उस व्यक्ति को इससे किसी भी तरह का चोट नहीं आता, लेकिन अगर डॉल्फिन का झुंड बड़ा होता तो यहाँ कुछ भी हो सकता था। हाथी को दोस्तों आपने बहुत बार ऐसे रास्ता रोकते हुए देखा होगा। ऐसे नजारे ज्यादातर जंगल के बीच से निकलते हुए रास्तों में ही दिखाई देते हैं। कुछ इसी प्रकार इस वीडियो में भी देखा गया, जहाँ पर एक हाथी जंगल से निकलकर रोड के बीच में आ जाता है, जिसे देखकर भाई एक ऑटो वाला वहीं खड़े होकर हाथी का वीडियो बनाने लगता है। तभी खाने की तलाश में हाथी भी उसके काफी करीब चला आता है और उसके हाथ से खाना लेकर और भी खाने का चीजें ढूंढने लगता है। लेकिन जब हाथी को कुछ भी खाने का चीज नहीं मिलता तब वो ऑटो को ही टक्कर मारकर गिरा देता है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा देखा गया कि एक माँ अपने बच्चे को बड़े ही आराम से झूला झुलाते हुए सुला रही थी। इस बात से अनजान की एक विशालकाय अजगर धीरे धीरे करके उसकी ओर चला आ रहा है। उसका तो पूरा ध्यान बस बच्चे को सुलाने में होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी नजर अजगर पर पड़ती है वो एकदम चौंक जाती है और जल्दी से अपने बच्चे को वहाँ से उठाकर अंदर ले जाती है। शुक्र है समय रहते ही अजगर को देख लिया, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, इस वीडियो में एक चिड़ियाघर में मगरमच्छ के साथ करतब दिखाया जा रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी एकदम चौंक जाते हैं। दरअसल ब्लू ड्रेस पहना हुआ ये आदमी मगरमच्छ के मुंह में अपना सर डालकर लोगों को दिखाने वाला था और उसका पूरा ध्यान स्टंट करने में लगा हुआ था। तभी दोस्तों, लाल ड्रेस पहना ये आदमी चलते चलते फिसल कर गिर जाता है, जिससे स्टंटमैन भाई बुरी तरह डर जाता है, जिसे देखकर सारे लोग एकदम खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।